25% उन्हीं को आगे लेके जाएंगे जो आरएसएस विचारधारा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी सेना में एक किसान और एक जो है युवा, उनकी तो बस्ती में नहीं था, उनको काबू करने की जो मोदी आए हैं विचार हो गया 15 साल के बाद, उनको नौकरी नहीं दे सकते ये सारी, तो कहाँ से देंगे उनको? 1,35,000 रुपया हर साल पेंशन और तनख्वाह में जाता है, ये उसको पेंशन को खत्म करना चाहते हैं। एक अघोषित बेरोजगारी के साथ साथ अघोषित क्राइम भी को बढ़ावा दे रही है, उन्हें असलों की एक ट्रेनिंग मिल जाएगी तो उसका कहीं दुरुपयोग। अगर हम लोग 24 साल के बच्चे की बात करें तो कहाँ उसके बैंक अकाउंट में कभी 12 से 15 लाख रुपए होते हैं, इसको लेकर आप क्या करेंगे? सौम्या माथुर, फिलहाल हम लोग मौजूद है हिसार के लघु सचिवालय के सामने। आज जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, किस कारण की वजह से किया जा रहा है, आइए इनसे जानते हैं। फिलहाल नलवा से हमारे साथ अनिल मान जी मौजूद है। सर आप बताइए कि किन कारणों की वजह से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है आज? ये प्रदर्शन जो है ये अग्निपथ योजना जो लेके आई है सरकार, आत्मघाती योजना है ये, देश पर कब्जा करने की, सेना पर कब्जा करने की जो मोदी सेना बनाने की जो सोच है उसके खिलाफ जो कांग्रेस जो है सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन जो हमने किया है। सेना जो हमारे सैनिक थे जो बॉर्डर पे जो इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं उनको ठेके पे रख के और उनको लड़ाना ये चाह रहे हैं। जो 25% जो होंगे उनको ये आगे लेके जाएंगे, 75% को वापसी घर भेज देंगे। वो 75% जो युवा है वो क्या करेगा? और 25% उन्हीं को आगे लेके जाएंगे जो आरएसएस विचारधारा के लोग होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी सेना बन गई, आने वाले कुछ समय में जो है ये अपनी सेना खड़ी करनी चाहते हैं देश में, क्योंकि इनके जो है एक किसान और एक जो है युवा, वो इनको इनके बस में नहीं था, उनको काबू करने की ये योजना है। उसे बात करूँ अग्निपथ योजना की, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अगर सिर्फ 4 साल के लिए कोई भी युवा जाकर जो है बॉर्डर पर खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा तो उसके अंदर देश प्रेम की भावना कम हो जाएगी? देखो देश प्रेम की भावना कम, देश प्रेम तो हर किसी में इनबिल्ट है, देश प्रेम की सब में भावना है। पर वो क्या है कि मान लो किसी का भी युद्ध शुरू हो गया और 3.5 साल की किसी की नौकरी होगी, 6 महीने के बाद उसको घर जाना, वो कैसे वो किस व्हील से वो लड़ेगा? ये तो जो देश कभी देशों में सेनाओं पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, ये देश पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। उधर तो चाइना बैठा है, इधर पाकिस्तान बैठा है और बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं जो हमारे देश के खिलाफ खड़ी हैं। मोदी जो है वो हर जगह जो है किसानों पर एक्सपेरिमेंट किया, युवाओं पर एक्सपेरिमेंट किया, डॉक्टरों पे एक्सपेरिमेंट किया, रोजगार पे हर जगह एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दे कुछ लेने का ये काम जरूर कर रहा है। सर अगर फिलहाल अगर हम लोग भारत सरकार की बात करें, भारत सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना को लागू किया गया, साथ में ये भी जो जनरल है कर्नल है सबसे जो है राय ली गई एक तरह से, उसके बाद इसको लागू किया गया है, आपका क्या मानना है इस पे? ये झूठ बोल रहे हैं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं था, ना लोगों से राय ली गई। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले लोगों से राय लेनी चाहिए थी, अपोजिशन को साथ रखना चाहिए था, देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर ये से शुभ चिंतक हैं तो जो फौजी आए हैं रिटायर हो गए हैं 15 साल के बाद, उनको नौकरी नहीं दे सकते ये सारी, तो कहाँ से देंगे इनको? खट्टर साहब कह रहे हैं बार बार कि मैं रोजगार दे दूंगा, 2014 में 8% बेरोजगारी थी, अब 38% बेरोजगारी है, कहाँ से दे देंगे? ये झूठ बोल रहे हैं, ये मिलिट्री का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। आपकी नॉलेज में बता देता हूँ, पूछ लेना किसी से पर्सन, पुलिस गुजरात में पुलिस ठेके पे है जो कहीं नहीं है देश में, और ठेके पे आर्मी हो करके देश को कमजोर करना चाहते हैं ताकि इनके नारे बोलें। 25% उन्हीं लोगों को लेंगे जो इनके हैं, ट्रेजरी से इनको तनख्वाह नहीं मिलनी, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा इनका, फिर किस बात की सेना है 4 साल में? तो ये तो कमजोर करके देश को ठेके में आर्मी लेके आएंगे जैसे अंग्रेज लेके आते थे। अंग्रेज जब यहाँ आए तो फ्रांसीसियों से औरों से ठेकम सेना लेते थे, उसी तरह ये करेंगे। सर बार बार जो है फायदे की बात की जा रही है कि भारत सरकार को अग्निपथ से फायदा होगा, उस फायदे की अगर हम लोग बात करें किस तरह का फायदे की बात की जा रही है फिलहाल? अग्निपथ से ना तो युवाओं को कोई फायदा है, ना ही देश को कोई फायदा है, इससे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। इन युवाओं का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए नहीं होगा, बल्कि अडानी और अंबानी के जो बड़े बड़े वेयर हाउस हैं उन पर चौकीदार रखने के लिए किया जाएगा, युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने कहा था कि हम युवाओं को 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों का खेल पूरा करने के लिए, देश की जनता को ये बताने के लिए कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है इसलिए किया जा रहा है। इससे देश के युवाओं का भविष्य बड़ा खतरे में है और देश भी बड़ा खतरे में है, इससे देश को कोई फायदा नहीं है, देश के युवाओं को कोई फायदा नहीं, पूर्ण रूप से नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं। सर भारत सरकार को फायदे की बात हो रही है, क्या चाहती है? 1,35,000 करोड़ रुपया
हर साल पेंशन और तनख्वाह में जाता है, ये उसको पेंशन को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि फौजी को पेंशन ना देनी पड़े। फौजी जो फौज में जाता है वो पेंशन के सहारे जाता है, उन सुविधाओं के सहारे जाता है, बाकी सिविल में पेंशनें ख़त्म कर दी गई हैं 2004 के बाद, तो केवल उस पेंशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और जो कैंटीन में जो फौजी जाता था, सामान लेता था, सब्सिडी थी, सुविधाएं थी, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। भारत सरकार तो ये भी कह रही है कि, और हरियाणा सरकार भी यही कह रही है कि अगर हम लोग 24 साल के बच्चे की बात करें तो कहाँ उसके बैंक अकाउंट में कभी 12 से 15 लाख रुपये होते हैं। भारत सरकार एक तरह से युवाओं को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहाँ फ़ायदा पहुँचा रही है, 9000 रुपये इनके काटेंगे, नोर मिला के 4 साल के बाद इनको दे देंगे, इन्हीं की तनख्वाह 9000 रुपये काटेंगे, तो क्या फायदा होगा? फिलहाल तो एक छोटा सा प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के द्वारा किया गया है, अगर रवैया इसी तरह का रहा, भारत सरकार जो है अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती है, तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति बनाकर कांग्रेस पार्टी चलने वाली है? बहन जी ये प्रदर्शन छोटा नहीं है, हर हल्का सतर पे है, एसडीएम मुख्यालय में है, पूरे देश में है। और अगर अब भी इन्होंने वापस नहीं ली, किसान आंदोलन की तरह हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, और इन्होंने वापस लेना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिलहाल हम लोग लघु सचिवालय हिसार में मौजूद थे जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, और इनका कहना है कि हर एक हल्का स्तर पर जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है अग्निपथ योजना के खिलाफ। तो फिलहाल कांग्रेस के लीगल एडवाइजर योगेश सिहाग जी हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट है, इनसे हम लोग जानेंगे कि अग्निपथ योजना में इनको किस तरह की कमी आज नजर आई है। जी सर नमस्कार जी। मैम देखिए, जो भारत सरकार ये अग्निपथ योजना लेकर आई है, मैं समझता हूँ ये एक बेरोजगारी और इससे जो एक बेरोजगारी का एक भद्दा मजाक है, उसका जो युवाओं का के सम्मान को भी ठेस पहुंची है। जो युवा इतने दिनों से एक जो सेना में जाने का एक सपना सजोए हुए थे और जो इतने लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे, पिछले 2 साल से भी भर्ती नहीं हुई सेना में, और अब नई भर्ती पर भी रोक लगा दी है, और इनके माध्यम से जैसे ये सेना में भर्ती करना चाह रहे हैं, उससे हमारे, मैं समझता हूँ कि नौजवानों के सपनों को ठेस पहुँची है और वो आज हताशा में है। और इससे, इसके साथ साथ मैं एक और इस एंगल से भी देखता हूं कि कानूनी रूप से, जब ये योजना कानूनी रूप से भी बिल्कुल भी उचित नहीं मानता मैं, क्योंकि इसके साथ जब 4 साल एक नौजवान सेना में रहेगा और वो एक ट्रेनिंग करेगा हर तरह की, लगभग उसकी 4 साल में तो एक ट्रेनिंग ही कंप्लीट, ट्रेनिंग पीरियड ही पूरा हो पाएगा, और वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जस्ट वो 18 साल के बाद 22 साल का वापस लौट आएगा, तो वो फिर यहाँ आके उसके पास कोई काम नहीं होगा, तो वो एक बेरोजगार नौजवान का एक अंदेशा में ये भी है कि वो एक हथियार की ट्रेनिंग उसे मिल जाएगी, वो गलत दिशा में भी जा सकता है, क्राइम की तरफ बढ़ सकता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, वो एक अघोषित बेरोजगारी के साथ साथ अघोषित क्राइम भी को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा नौजवानों के पास तो वो स्वाभाविक बात है, और उन्हें असलों की एक ट्रेनिंग मिल जाएगी तो उसका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। देशभक्ति, देशभक्ति की अगर हम लोग बात करें क्या उस पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेरा एक और ये मानना है, क्योंकि जो एक सेना में जाकर एक हमारा नौजवान एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था, जब गांव में एक फौजी छुट्टियों पे आता है या रिटायर होकर आता है तो गांव का भी प्रत्येक नागरिक उसकी बात को ध्यान से सुनता है, भाई ये फौजी आदमी है, भाई न्यूट्रल होके निष्पक्ष बात करेगा, तो एक जो एक फौजी की जो एक इमेज थी उसको भी एक सेटबैक लग गया है, क्योंकि एक जो देशभक्ति की भावना होती है सेना में काम करने की, देश के लिए लड़ने की एक जज्बा, वो एक ये सोचेगा यार वो ट्रेनिंग होके 3 साल उसका पीरियड पूरा होगा, इतने में उसका रिटायर होने का वक्त आ जाएगा, ऐसा पहली बार मतलब उससे जो एक जो राष्ट्र की, मैं समझता हूँ एक तरफ तो जो बीजेपी बात करती थी राष्ट्र पहले और राष्ट्र पहले पार्टी बाद में, और आज वो एक एक राष्ट्र विरोधी, मैं इसको कहना चाहूंगा, वो काम कर रही है, उससे जो हमारे नौजवानों में देशभक्ति की, राष्ट्र की भावना को भी फर्क पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक जो इतना बड़ा हमारा कंट्री है सुरक्षा की दृष्टि से भी इस चीज को, मतलब ये योजना एक हमारे लिए खतरा है।
धन्यवाद। और इनका कहना है कि यदि अग्निपथ योजना को समय रहते सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में जिस तरह से किसान आंदोलन एक बड़ा रुख ले चुका था और उसके बाद भारत सरकार को झुकना पड़ा था, उसी तरह अग्निपथ योजना अगर न लेगी तो इसी तरह से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बने रहिए संसार क्रांति के साथ, मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।